इतना दूर आए और देखो एक ही ठोक बस है, कुछ ज्यादा खा। मेरे थोड़ा बंद बंद ही लग रहे हैं अंदर से, इसलिए मैं बाहर निकल रहा हूँ। मैं यहाँ चुपके से आया हूँ दोस्तों, देख सकते हो देवता लोग का है ये। तो बड़ा ही मजा आ रहा है, नाव का मजा ले रहे हैं अपन। के लिए हम लोग इतना दूर आए और देखो एक ही तो प्राचीन काल मूर्तियां, सकते हो पत्थर का साफ साफ दिखाई, इधर गोरा इधर काला हो गया है आज कल ट्रैवलिंग में धूप। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. ठोक बस है, कुछ ज़्यादा खास है नहीं यहाँ। उधर है डैम है बहुत बड़ा, और तो कुछ भी नहीं है दोस्तों यहाँ। हम बड़े उम्मीद से आए थे यहाँ, तो अंदर आने के बाद कुछ ऐसा है, कलाकृति बना है, पूरे सीमेंट से बना है ये। देख रहे हो सुनसान पड़ा हुआ है, इसमें और कुछ करना चाहिए भाई, लेकिन कुछ अच्छे से इन लोग रखे नहीं है मेंटेनेंस। आगे गड्ढा भी है देख सकते हो, पता नहीं काम रुका पड़ा है कि क्या। और ये है कुंड, ऊपर बना है कुछ ऐसे। देख सकते हो प्राचीन काल मूर्तियाँ, महाकाल लिखा हुआ है इसमें, आप बताना ये क्या चीज़ है। बंद पड़ा है इसका काम, ऊपर बस ऐसे है। बाहर से कुछ ऐसे दिखता है, बहुत साल हो गया ऐसे लग रहा है दोस्तों देख के तो इसको, और तब से काम रुका पड़ा है। दूर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आप ठंडा वंडा ले सकते हैं, गर्मी में आ रहे हो तो मांजा दे दीजिए। बोटिंग तो अभी बंद है दोस्तों धूप के कारण, धूप के कारण अभी ज़्यादा नहीं आते, शाम को आते होंगे। अच्छा तो बता रहे हैं धूप के कारण अभी भीड़ कम है, सही भी है, गर्मी में कौन ही आएगा। चलिए बोटिंग के लिए देखते हैं कि क्या बोलते हैं अंकल लोग। सकते हो फर का साफ साफ दिख रहा है, इधर गोरा इधर काला हो गया है आज कल ट्रैवलिंग में धूप में। धूप देखो कितना ज़्यादा है। चलिए बोटिंग करते हैं अब।
जाते हैं ठंडे ठंडे पानी में। चलिए अभी अब बोटिंग करेंगे। ये हिलता है वो अच्छा लगता है यार। हो गया चालू। कैसे हिल रहा है ना। देख सकते हो बड़ा ही मजा आ रहा है। नाव का मजा ले रहे हैं अपन। काफी दूर आ गए हैं। देख सकते हो अब टूरिस्ट लोग का आना चालू हो गया है। 2 बज गए हैं। सीधा बनाता है। तैरने आता तो मैं यहाँ कूद जाता दोस्तों, लेकिन तैरने ही अपन को आता ही नहीं है। ये पतवार चल रहा है। ऊपर में नहीं, इसी मैदान पे ऊपर जाने के बाद। मौसम शांत हो गया है दोस्तों थोड़ा अभी। तो ये फिलहाल तो बंद है, ये देख सकते हो ये कहाँ हवन कुंड बना है। और ये तो अभी काम चालू है, इसमें अभी देख सकते हो टाइल्स वाइल्स लगा है। चलिए आपको दिखाने के लिए कूद जाते हैं हम और स्पोर्ट डांसिंग कंटिन्यू करते हैं। तो पीछे भी तो कुछ भी नहीं है, काम बंद पड़ा है कई दिनों से, कई सालों से सॉरी। और इधर घूम के इधर आ गए हम। इधर गेट है, गेट जो है बंद है। हम बहुत हैरान हैं, गेट को खोल दिए। अंदर कुछ ऐसा है देख सकते हो, बड़ा ही अजीब नज़ारा है दोस्तों। मैं यहाँ चुपके से आया हूँ दोस्तों, देख सकते हो देवता लोग का है ये। मेरे थोड़ा बंद बंद भी लग रहा है अंदर से, इसलिए मैं बाहर निकल रहा हूँ। और इधर बाहर लगा हुआ है, ये 200 साल के बाद अभी बना है, लेकिन अभी भी कार्यरत चालू है इसमें। देख सकते हो बंद है, ताला लगा है। और ये विष्णु भगवान का मूर्ति बना है यहाँ पे, बड़ा अच्छा लग रहा है। खातू डाला हुआ है, बढ़िया गद्दा टाइप है। और इधर देख सकते हो पूरा गाय लोग को यहाँ रखते हैं, घेरा हुआ है पत्थर से। क्या मस्त लग रहा है दोस्तों यहाँ। वीडियो मैं पूरा शूट कर डाला हूँ, अब मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। और उधर भाई लोग बढ़िया रोमांटिक गाना बजा रहे हैं पुराने 18 का। और चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, ऐसे वीडियो आते रहेंगे। मोटो ब्लॉगर रायपुर का जोशी, थैंक यू।